धनबाद के बीसीसीएल की सेंट्रल हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ की काफी कमी है और इस वजह से वहां पर काम कर रही नर्सों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रबंधन की ओर से उनके ऊपर मरीजों की देखभाल करने का अतिरिक्त बोझ दे दिया गया है और इसको लेकर सेंट्रल हॉस्पिटल के नर्सिंग एसोसिएशन ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। एसोसिएशन का आरोप है कि साल 2019 के अप्रैल में प्रबंधन ने उनकी मांगों को पूरी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक प्रबंधन की ओर से मांगे पूरी नहीं की गई है। पिछले तीन साल से मैनेजमेंट को बोल रहा हूँ, इधर से हम लोग को नर्सेस का कमी हो गया, तो कितना नर्सेस इधर से जॉब छोड़ दी चला गया, हर साल नर्सेस इधर से रिटायर होते रहता है, तो 200 नर्सेस से अभी 100 का आ गया, 100 नर्सेस कम हो गया, फिर भी हम लोग को मैनेजमेंट अभी तो सुना नहीं है। बार बार हम लोग को बोल रहा, हर नर्सेस डे में सब मैनेजमेंट है, बीसीसीएल मैनेजमेंट आ रहा, पार्टिसिपेट कर रहा, हम बोल रहा आप लोग को जल्दी हो जाएगा, आज तक कुछ नहीं किया। प्रबंधन हम लोग को प्रेशर दे दे के काम अपना निकलवा रहा है, लेकिन हम लोग का बहुत सारा डिमांड है जो प्रबंधन मान नहीं रहा है। बस नर्सिंग स्टूडेंट से हॉस्पिटल मैनेज हो रहा है, नर्सेस रिटायर हो रही है, बीमार हो रही है, लेकिन मैनेजमेंट का कोई ध्यान हम लोगों के ऊपर में नहीं है। बस उनको अपना केवल काम निकालना है, कितना मैन पावर में हॉस्पिटल को बस उनको चलाना है। हमारी बहनें, हमारी सिस्टर जो है वो बीमार है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।